व्हाट्स अप गाइस, अभिजीत हियर। एंड वीडियो का टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही गए रहेंगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सो यस गाइस, आई एम गोइंग टू स्पिटी। तो आज है डेट 9th of August और मैं अभी फ़िलहाल मेरे बैग्स एंड कैमराज वगैरह पैक कर रहा था एंड सोचा मैं आपको बता दूँ कि स्पिटी जा रहा हूँ मैं। सो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड अहेड। 12th August से लेके 17th August तक जो है वो काफ़ी लंबा वीकेंड है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे है, दही हंडी, जन्माष्टमी वगैरह वगैरह है। एंड यही टाइम था कि एक कोई लंबा सा ट्रिप पे चला जाऊँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ कुछ 5-7 लोगों के साथ। 7 लोग हैं और मेरे साथ में तो टोटल 8 लोगों का ग्रुप है। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर मनाली, मनाली से हमारा एक्चुअल स्पिटी का टूर जो है वो चालू होगा। तो मनाली से स्पिटी जाएंगे काजा, काजा से फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं स्पिटी में, जैसे ताशीगांग, हिक्किम, फिर और भी बहुत सारे हैं, डेमुल करके है, चंद्रताल, कैंपिंग भी होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो चंडीगढ़ से मनाली जाने वाला हूँ, मनाली से फिर हमारा ट्रिप चालू होगा स्पिटी के लिए। स्पिटी घूमने के बाद 5 दिन स्पिटी में होगा, 6 days and 5 nights। सो उसके बाद फिर मनाली आने वाला हूँ, मनाली से देन दिल्ली और दिल्ली से फिर बैक टू मुंबई। तो मैंने मुंबई से चंडीगढ़ इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ चंडीगढ़ से मनाली थोड़ा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली टू मनाली। आप दिल्ली से भी होकर जा सकते हैं, दिल्ली टू मनाली विल टेक अराउंड 12 hours इन बस, वेयर एज़ चंडीगढ़ टू मनाली विल टेक अराउंड 8 hours इन बस और कार। सो या दैट्स द रीज़न आई चूज चंडीगढ़। और आते वक्त दिल्ली में मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ दिल्ली में शायद एक या दो दिन रुक भी जाओ फ्रेंड के यहाँ पर। तो इसीलिए मैं दिल्ली वाया होकर मुंबई आ रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक लुक एट व्हाट ऑल आई एम कैरिंग। फ़िलहाल तो मैं जिस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेरा नया 6D Mark II और उस पर रोड माइक माउंटेड है। तो ये दो चीज़ें तो मेरा प्राइमरी व्लॉग कैमरा शायद ये होगा। अदर देन दैट मैं आपको एक मेरा टेबल का लुक बता देता हूँ कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा Xiaomi का 4K एक्शन कैमरा जो GoPro Hero 4 से थोड़ा बेहतर है और Hero 5 से थोड़ा कम, बट इट गिव्स 4K वीडियो सो काफ़ी अच्छा है। अब इसके अलावा ये है मेरा 60D, दिस इज़ माई ओल्ड 60D कैमरा। ये मैं बेसिकली सिर्फ टाइम लैप्स शूट करने के लिए एज अ सेकेंडरी कैमरा यूज़ करने वाला हूँ। एंड द लेंसेज दैट आई एम कैरिंग, दिस इज 35mm f/2। ओके, लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। फोकस हो जा। ओके, बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया इसलिए फोकस नहीं हो रहा। ओके, सो दिस वन इज़ द 35mm f/2 Xiaomi का। अदर देन दैट ये है कुछ मेरे पास, ये आप देख सकते हैं कैनन का 50mm है और ये बेसिकली है ऑप्टिका का 6.5mm फिशाई लेंस। सो दिस लेंस इज़ गुड फॉर लैंडस्केप एंड फॉर टाइम लैप्स वीडियोस। तो बेसिकली 60D पर मैं ये वाला लेंस ऑप्टिका का यूज़ करने वाला हूँ और ये 6D पर बराबर से नहीं चलता बिकॉज़ ये APS-C कैमरा के लिए बना हुआ है। एंड दिस इज़ माय एंडोवर टाइम लैप्स जो 360 डिग्री घूमता है वो टाइम लैप्स के लिए। बिसाइड्स दैट आई एम ऑल्सो कैरिंग माय LG 360 कैमरा तो कुछ 360 वीडियोज़ के लिए। और इसके अलावा ये मेरे पास फ्लैश है जो पता नहीं शायद लो या नहीं पता नहीं बिकॉज़ उतना कुछ काम आएगा नहीं। अदर देन दैट ये हार्ड डिस्क है मेरा 1.5 TB का हार्ड डिस्क है इसके अंदर। मेरा मैकबुक प्रो विच आई विल बी कैरिंग फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। अदर देन दैट दिस इज़ द स्पेयर बैटरी ऑफ द एक्शन कैमरा Xiaomi का युक। और ये एक मेरा छोटा सा ट्राइपॉड है।
तो ये मैंने अभी हाल ही में लिया है, कुछ 1000 rupees के आसपास है. अदर देन दैट दिस इज क्लीनिंग किट, क्लीनिंग ब्रश, लेंस वगैरह साफ करने के लिए, माउस शायद कैरी करूँ नहीं करूँ पता नहीं, और यहाँ पर कुछ सनग्लासेस है रेबैन के, और ये कुछ पैसे वाले सनग्लासेस, और ये छोटा सा डायरी नोट पैड जैसा कुछ भी लिखने के लिए, और यहाँ पर मेरे मेडिसिंस है, और भी कुछ मेडिसिंस मैं कैरी करने वाला हूँ. इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मेरा प्राइमरी सेलफोन है जो है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8, और ये है मेरा नया वाला माई मैक्स 2. तो ये सेकेंडरी फ़ोन मैंने इसलिए लिया ताकि इसको मैं ड्रोन उड़ाते वक्त एज अ डिस्प्ले काम में ले सकूँ. 6.5 inch की स्क्रीन है, 6.44 inches, तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, बैटरी लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है. तो ये दो फ़ोन्स लेने वाला हूँ, और ये सारे मेरे एक्सेसरीज है, कैमराज वगैरह वगैरह. और हाँ, यहाँ पर ये बैग है जो मैं लेके जाने वाला हूँ. तो ये बैग बेसिकली मेरे फ्रेंड विल्फर्ड ने मुझे दिया है. उसने हाल ही में मेरे साथ ही सोनी A7S2 कैमरा परचेस किया था, जिसके साथ ये बैग मिला. मैंने 6D Mark II लिया, उसने सोनी A7S Mark II लिया, उसको ये बैग उसके साथ फ्री मिला. काफ़ी अच्छी बैग है, ट्रैवल बैग. MRP इसकी 2000 rupees है. और ये जो लेंस है ऑप्टिका का 6.5mm, ये भी विल्फर्ड की है, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी है. सो थैंक यू विल्फर्ड फॉर गिविंग मी दिस लेंस एंड द बैग. सो अ बिग शाउट आउट टू यू. डू चेक आउट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हिज फेसबुक पेज, इट विल बी लिंक डाउन बिलो. इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर, डू चेक हिज अकाउंट. सो या इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मेरा ड्रोन बैग है. ये मेरा पुराना वाला बड़ा वाला ट्राइपॉड है जो मैं नहीं कैरी कर रहा हूँ, इसमें मेरा ड्रोन बैग चला जाएगा. और यहाँ पर ये लाइटर है जो काफ़ी हैंडी हो सकता है कभी कुछ इमरजेंसी के लिए. सो ये जेट स्पीड वाला है, तो या इट कैन बी यूजफुल. और बाकी मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं ये अपना बैग है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, इसमें कुछ मेरे कपड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ कपड़े हैं, और भी कपड़े लेने हैं. यहाँ पर 2 jeans लेके जा रहा हूँ, कुछ शॉर्ट्स लेने हैं मेरे को, आज मार्केट जाके ख़रीदना होगा. और ये एक मेरा विंडचीटर जैसा जैकेट है जो थोड़ा लाइट ड्रिजल वगैरह हो जाए तो उसमें काम आ जाएगा. और ये मेरा मोटा वाला जैकेट है, सो ये देख सकते हैं आप. सो वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ठंड होगी, तो इसलिए मैं 2 jackets कैरी करना प्रेफर करूँगा. और इसके अलावा मैं ये मेरा अम्ब्रेला जो है वो लेने वाला हूँ, और कुछ मेडिसिंस वगैरह लेने हैं, और साबुन वगैरह शैम्पू वो अलग से लेने हैं, वो सब हो जाएगा. और हाँ, ये मैं सस्ते वाले हेडफोन्स है, ठीक है, ये सैमसंग की कॉपी वाले हेडफोन्स है. मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा. प्रीवियसली आई वॉज यूजिंग दिस सिस्का H13 वायरलेस ईयरफोन्स. अब दोस्तों हुआ ये कि इसको मैंने परचेस किया था amazon.in से, तो ये कुछ June 5 को मुझे डिलीवर हुआ था, और तब से मैं यूज़ कर रहा था, एंड हार्डली 47-48 डेज के अंदर ये ख़राब हो गया. तो इसके जो 2 earphones है उसमें से एक में से आवाज़ आती है, दूसरे में से नहीं, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड हो गया हूँ मैं सिस्का के इस ईयरफोन्स को लेके. एक सेकंड में इस कैमरा को माउंट कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ. तो ओके, एक सेकंड. जी हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब है. पिछले हफ्ते मुझे थोड़ा वायरल फीवर जैसा हो गया था, और खांसी सर्दी थी, ज़ुकाम हो गया था, पर फिर भी मैंने
दवाई वगैरह ली और अभी थोड़ा ठीक हूँ। अभी हल्की हल्की सी खांसी है, ज़्यादा कुछ बोलता हूँ, सांसें थोड़ी फूलती है और खांसी हो जाती है, थोड़ी हल्की हल्की सी ये सर्दी है। तो आई एम होपिंग वहाँ जाके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि शायद मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए वादियों में जाके, जो खुले हवा में। सो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं बता रहा था कि ये जो सिस्का के ईयरफोन्स है कहाँ रख दिए। हाँ जी, तो ये वाले ईयरफोन्स है, कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसे बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए, इनफैक्ट इसका एक्सेसरीज़ के कोई भी प्रोडक्ट्स आप मत लीजिए। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था और विद इन 45-47 डेज़ के अंदर ये काम करना बंद कर दिया। एक ये राइट वाले से आवाज़ आती नहीं है, लेफ़्ट वाले से सिर्फ आवाज़ आती है। तो फिर मैंने अमेज़ॉन को कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने कहा कि ये अभी रिप्लेसमेंट का डेट तो चला गया है या फिर रिफ़ंड का भी डेट चला गया है, तो आपको इसका एक्सेसरीज़ को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके सर्विस सेंटर में जाके दिखाना होगा। फिर मैंने उनसे सर्विस सेंटर का नंबर मांगा, तो उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर एक ईमेल आईडी दिया जिस पर मुझे उनको मेल करके बताना था कि प्रॉब्लम क्या है और इनवॉइस की कॉपी अटैच करनी थी। ये सब करने के बावजूद भी मुझे उनके एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक हफ़्ता हो गया कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से अमेज़ॉन को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली सेलर जो था वो उनका नंबर दे दिया। तो सेलर दिल्ली के थे, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में रहते हैं तो चाहे तो वो इसको रिप्लेस करके दे सकते हैं, पर फिर आपको शिपिंग कॉस्ट वगैरह उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन ये दिया कि उन्होंने मुझे जो सेल्स मैनेजर है सिस्का के उनका नंबर दे दिया। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, वो दिल्ली के सेल्स मैनेजर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे मुंबई वाले सेल्स मैनेजर जो सिस्का के है उनका कांटेक्ट नंबर दिया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने तो सीधा साफ मना कर दिया कि हम भाई इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली वाले से उनसे फिर से बात की और उन्होंने जो सिस्का का एक ही सर्विस सेंटर है, हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है और उसके भी काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ है, आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे गंदे नेगेटिव कमेंट्स है, रिव्यूज़ बहुत ही गंदे है। तो उनके जो पुणे के हेड है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन का डिपार्टमेंट है वो कोई और संभालता है, आप उनसे बात कर लीजिए। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आई लुक इनटू दिस मैटर। फिर उस दिन पे मेरे उनसे लगभग 7-8 बार फ़ोन पर बात हुई और फिर अल्टीमेटली उन्होंने जाके बोला कि हाँ मैं देखता हूँ आपका जो मेल है वो चेक करके आपको रिप्लाई करता हूँ, और इस तरह से उन्होंने कहा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया और फिर उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि वो मेरा फ़ोन ही उठा नहीं रहे थे, रिसीव ही नहीं कर रहे थे। सो आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स, कोई उम्मीद बची नहीं थी कि इसका कुछ होगा। मैंने बोला यार मैंने कुछ लिया था 1200-1400 रुपये में, तो पैसे गए सारे पानी में। पर फिर आज जब मैं सारे सामान पैक करने जा रहा था मेरे स्पिटी टूर के लिए, तब मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि मैं दिल्ली होकर आने वाला हूँ। तो जो सेलर है वो उन्होंने कहा था कि आप चाहे तो रिप्लेस करवा सकते हैं, वो रिप्लेस करके दे देंगे, ये लेकर आ जाइए और इसके बदले में वो नया फ्रेश पीस दे देंगे। फिर मैंने उनको फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, किसी से कोई हेल्प नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, आपको मैं रिप्लेस करके दे दूँगा। काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे, महसूस हुआ कि चलो ये बंदा एटलीस्ट मुझे हेल्प करने को तैयार है, रिप्लेस करके दे देगा। सो लेट्स सी, मैं दिल्ली जाऊंगा और उनसे मिलकर ये रिप्लेस करवा दूंगा, होपफुली ये काम हो जाए। बस एक ही कहना है मेरा कि सिस्का एक्सेसरीज़ के कोई भी प्रोडक्ट्स आप मत खरीदिए, बिकॉज़ बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं और उसकी आफ्टर सेल सर्विस तो ज़ीरो के बराबर, एकदम ज़ीरो, कुछ है ही नहीं। तो बस यही सारे चीज़ें हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे दो बैग्स तो ऑलरेडी हो गए हैं, एक ड्रोन का बैग होने वाला है और दूसरा यहाँ पर ये वाला बैग, जी हाँ ये वाला बैग होगा। और इसके अलावा शायद मैं एक छोटा बैकपैक भी ले लूँ जो कि आई विल बी कैरिंग शोल्डर पे, तो एक्चुअली मेरा ड्रोन बैग आएगा, तो सामने के साइड पर अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो वो उसमें सब ज़रूरत के सामान में ले सकता हूँ।
ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ मैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरे इक्विपमेंट्स और कपड़ों के बैग है, जो बड़े वाले बैग है, वो मैं गाड़ी में ही रखने वाला हूँ. सो वी विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट स्पीटी इन अ कार. और ये जो है ये स्लिंग बैग है, तो जाते समय ये शायद मैं इस बड़े वाले बैग के अंदर रख दूँ, यहाँ पर इसके अंदर ही डाल दूँगा. और जब वहाँ पर ट्रैवल करता रहूँगा तो शायद ये मैं निकाल कर इसमें कुछ एक हाथ कैमरा लेंसेस वो सारे इसमें रख दूँगा. तो बस यही है. और वहाँ पर शायद मुझे नेटवर्क इश्यूज़ मिले, तो पता नहीं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि सिर्फ BSNL का नेटवर्क चलता है, तो वहाँ पर जाकर मुझे नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा. दूसरा कोई भी नेटवर्क वहाँ पर चलता नहीं है. सो या ड्रोन भी लेके जा रहा हूँ, स्पीटी काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई होप आई गेट सम रियली गुड शॉट्स, सम रियली गुड व्लॉग्स. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड स्नैपचैट एज वेल. सारे जगहों पर मेरी ID है मुंबई मुसाफिर, आप जाकर फॉलो कर लीजिए. व्लॉग्स को आने में टाइम लगेगा, पर जब भी हो सके मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के थ्रू आपको अपडेट करते रहूँगा, लाइव अपडेट्स देते रहूँगा. सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. स्टे सब्सक्राइब एंड बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल ऑलरेडी बी इन स्पिटी, बिकॉज इस वीडियो को मैं शेड्यूल पर डाल के जाने वाला हूँ. सो मैनी मोर फन व्लॉग्स एंड रियली अमेजिंग ड्रोन शॉट्स कमिंग सून. स्पिटी के व्लॉग्स अमेजिंग होने वाले हैं. सो होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर आई कम फ्रॉम स्पिटी. टिल देन बाय बाय.